एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मुझे जाना है अपने मायके, तो बस रेडी हो गए हम लोग। ये सामान रहा, ये रहा हमारा सूटकेस जो कि तैयार हो गया है, ये रही महिमा जो कि तैयार हो गई है। हम लोग बस तीन लोग हैं और तीन लोग ही जा रहे हैं। जिया जी कल आएंगे और दीदी और नैतिक को एक महीने के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी थी, तो दीदी उसके लिए नैतिक को कोचिंग ज्वाइन कराने की वजह से एक महीने के लिए नैतिक के साथ बाहर हैं। दीदी लोग तो नहीं जा पाएंगी, तो बस हम तीन लोग आज जा रहे हैं, जिया जी कल आएंगे। तो वह रेडी हो गए हैं, बस सिर्फ निकलना है, गाड़ी में सामान रखना है और बस निकल जाना है। बहुत देर हो गई ऑलरेडी, घर से इतने सारे फोन आ गए हैं, भाई के इतने सारे फोन आ गए कि सुबह से बहुत जल्दी जल्दी। बता ना, दीदी होती तो कोई टेंशन नहीं होती, अब घर पे जिम्मेदारी होती है, सारा सब कुछ करके सब काम सारे समेट के जाना होता है, तो फिर वो एक जिम्मेदारी हो जाती है, तो टाइम चाहते हुए भी लेट हो ही जाता है। अभी बज रहा है 12:15, बस हम लोग निकलने वाले हैं। सारा सब तैयारी हो गई है, पूरी पैकिंग हो गई है, बस बाबूजी खाना खा रहे हैं, बस वो खाना वाना खा ले। मैंने खाना खा लिया, उन्होंने बाबूजी खाना खा रहे हैं, खाना खा ले, उनके बर्तन वगैरह क्लीन कर दे, सारा काम खत्म, बस हम लोग निकल ही रेडी है पूरी तरह से। दुपट्टा दे दो, बस मुझे दुपट्टा लेना है, बस ऑल सेट टू गो। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ मेरे मायके चलिए, वहाँ पे जो भी होगा पूरी फैमिली रहेगी, पूरी फैमिली। और आई थिंक हम लोग 1.5-2 साल, पूरा 2 ही साल समझ लीजिए, भाई की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। हाँ, 1 दिसंबर 2020 में हुई थी, तो उसके बाद से अब सब लोगों से मिलेंगे। मतलब हम भाई से तो चाचा लोगों से तो मिल ही चुके हैं, अभी बरेली गई थी, नैनीताल गई थी, लेकिन बाकी ताई जी लोगों से और बाकी चाचा लोगों से अब मिलूंगी। तो बस चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वीडियो बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और वैसे भी बस अपने शौक और पैसन के लिए वीडियो बना रही हूँ, बाकी वीडियो बनाने का कोई स्थान नहीं है मेरे लिए। तो बस चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए। तो हम लोग निकल लिए हैं, अभी यहाँ पर रुके थे, गाड़ी को हम लोग खा पी के निकले, गाड़ी को भी कुछ खिला पिला दें। और ये रहे हमारे चीकू, चीकू भी जा रहा है साथ में। महिमा रुक जाओ, महिमा कुछ खा रही है, कहीं रुक जाओ। मैं भी खा रही थी चिप्स वगैरह, और ये भी पानी पी रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। चीकू थोड़ा मिला दे। फड़फड़ाया तो खूब है, पर अब नॉर्मल है, आराम से। निकले अभी हम लोगों को थोड़ी देर हुआ है, यहाँ हम लोग खाने हैं समोसे। बीच में ये जो कस्बा पड़ता है कुंवरपुर, यहाँ के समोसे ना बहुत टेस्टी होते हैं, हम लोग हमेशा खाते हैं, बाइक से आए तो भी खाते हैं। तो ये अभी गरम गरम है, एक खाया इतनी टेस्टी लगा, इनसे मैंने बोल दिया ये कि और ले आओ। तो फिर गए, चीकू भी खा रहा था, अब बैठा है, गिरा दिया उसने। महिमा भी खा रही है, हम भी खा रहे हैं, आप लोग भी खा लो। एक बार ना मैं जब बाइक से गई तो मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था, पेड़ा भी खाया था यहाँ का, बहुत टेस्टी होता है। अभी तो फिलहाल हम लोग खा रहे हैं समोसा। फोन सेट कैसे करूं? देखो, तो चलिए खा लेती हूँ, फिर अपने आगे के लिए निकलती हूँ और मस्ती करूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी।
ही नहीं रहा कुछ, नहीं खा लो। तो फाइनली अब हम लोग एंटर हो चुके हैं, एंटर क्या हो चुके हैं, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं अपने घर। ये मुड़े हम लोग अपने घर की गली की तरफ, और कितना अच्छा लगता है ना जब अपने मायके आओ तो मतलब सारी जो पुरानी यादें होती हैं वो ताज़ा होने लगती हैं। और फिर आज तो स्पेशली कितने दिनों के बाद मेरे भाई की शादी थी, उस समय मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उसके बाद फिर हम लोग बरेली में शुभम की शादी में गए थे, उसके बाद से अब सब लोग प्रॉपर शुभम की शादी के बाद अब मिल रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा था। हम लोग सब मतलब सभी लोग, सारे चाचा ताऊ सभी लोग मिलेंगे, ताई जी चाची लोग सब दीदी लोग मतलब सभी लोग, और टोटल सभी लोग मिलेंगे। तो बस मैं घर पहुंची थी, उस समय चाची और दीक्षा लोग मार्केट गई हुई थी, शुभम घर पे ही था, त्रिशु थी, तो बस मेरी गोदी में त्रिशु आ गई थी और परी बैठी थी, दीदी बैठी थी, सभी लोग बैठे थे। और यहाँ पर शुभम ना त्रिशु को बिस्किट खिला रहा था, और थोड़ी देर बाद बस दीक्षा और चाची लोग भी, सभी बुआ लोग भी आ गई थी, सब गई थी मार्केट, कुछ काम वाम देखो लगा ही रहता है काम घर पे जब कोई फंक्शन वगैरह होता है। और घर पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल है गया भोज, तो उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं, उसी के लिए हम लोग आए भी हैं। तो यहाँ पर चाचा भी हमारे खड़े थे, ये रहे हमारे चाचा, तो ये सब आप लोग देख चुके हैं बरेली में इनको। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी ना कि मुझे ना पहले मैं सोच रही थी सारी बातें मैं आप लोगों को सुनाऊं, पर बहुत ज़्यादा कचर पचर हो रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था किसी की भी क्लियर आवाज़, तो फिर मैंने ना म्यूट कर दिया था। उसके बाद खाने का टाइम था ही, फिर शुभम ने इन्होंने सब मतलब सब लोग धीरे धीरे करके खाना खाते जा रहे थे लगे हाथ, क्योंकि जो जो बात जा रहा था वो बैठ बैठ के खाना खाता जा रहा था। ये था खाने का काम ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत सारे काम थे। अभी दीक्षा बोल रही थी दीदी चूड़ियाँ भी, दीक्षा को जो साड़ी पहननी है उसकी चूड़ियाँ लेनी थी, तो उसके लिए मार्केट जाना था, और त्रिशिका के लिए कपड़े लेने थे क्योंकि मम्मी उसको कपड़े दे रही थी, तो बोली थी हमसे मार्केट जाके इसके लिए कपड़े ले आना, तो त्रिशिका के लिए कपड़े भी लेने, तो उसके लिए भी हम लोगों को मार्केट भी जाना है। इसलिए सारे सब कुछ खाना पीना खाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए समय निकाल लिया था, हालांकि समय था नहीं पर निकाला गया इस समय समय, तो चीकू को साथ में हम लोग लेकर आए थे। और त्रिशिका ना चीकू को देख के बड़ी खुश हो रही थी, और यहाँ पर हम सभी लोग बातें कर रहे थे, किसी बात पर हंस रहे थे। सुबह वो दीक्षा ना हमारे यहाँ पहली बार आई है शादी के बाद, और त्रिशिका भी पहली बार आई है, जब उसकी मम्मी पहली बार आई तो ऑब्वियस ये बात है वो भी पहली बार आई है, तो त्रिशिका भी हमारे यहाँ पहली बार आई है और दीक्षा भी पहली बार आई है, और उसको बड़ा अच्छा लगा। और बस यहाँ पर हम सभी लोग किसी बात पे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और महिमा वीडियो बना रही थी। आप लोगों को पता है जब बरेली गए थे त्रिशिका उस समय 6 महीने की थी, अब वो 10 महीने की है, तो अब वो रिएक्ट करती है, उसको चीज़ें चाहिए होती, पहले था वीडियो बनवा लेती थी, बट अब उसको ना फ़ोन चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं खेलने के लिए, तो बस उसी में वो खेल रही थी। यहाँ पर एक कार थी तो उसी से, वो टॉय वाली कार, तो उसी से वो खेल रही थी। और यहाँ पर उसके सर में कुछ लग गया था, कल वो आई है तो उसके सर में कुछ लग गया था, तो वही ये देख रहे थे। और परी उधर देखिए आप लोगों को हाथ दिखा रही थी। उसके बाद हम लोग मार्केट आ गए, और यहाँ पर ये देखिए जब आओ ना अपने गली में निकलो, वहाँ की मार्केट में निकलो, तो लोग बहुत ज़्यादा टोकते हैं, कब आई बुआ, कब आई दीदी, कब आई, जिसका जो भी रिलेशन होता सब लोग टोकते हैं, तो बस ये सब लोग टोक रहे थे, और हम सबकी बातें सुनते हुए बस मैं आगे आगे जा रही थी, लोगों से बात भी करती जा रही थी। और चूड़ी की दुकान भी आ गई थी, और बहुत दिनों के बाद शादी के पहले, शादी के बाद भी हम लोग गए हैं, लेकिन इधर मैं ना कोविड के पहले गई थी मम्मी के यहाँ प्रॉपर रुकने के लिए, तब मैं 5-6 दिन रुक के आई थी। उसके बाद से अब मैं एक मतलब 2-3 दिन के लिए गई हूँ, तो एक वो अलग क्रेज होता है ना जब मायके जाओ, तो ये दुकानें वगैरह देख के सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह ली, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे कपड़े की दुकान में, वहाँ थोड़ा सा ये वीडियो बनाया, और बस उसके बाद यहाँ से कपड़े लिए। यहाँ करते करते हम लोगों को 6-7 बज गया था, फिर हम लोग घर पे आए तो देखा यहाँ पर ये बूंदी बनी थी कल के प्रसाद के लिए, तो वो भैया लोग सब पैक कर रहे थे, डब्बे बना रहे थे लोगों को देने के लिए, और बूंदी ये डब्बे उधर देखिए लगे रखे हैं, आकर्षित आप लोगों को कर रहा है हाय। और अभी वो सारे डब्बे हैं, जो भी बाहर के लोग आएंगे ना रिलेशन के लोग, तो सब लोगों को प्रसाद के रूप में ये डब्बे दिए जाएंगे एक एक, तो उसके लिए यहाँ पर ये बूंदी भैया लोग पैक कर रहे थे। मैं मार्केट में थी तभी, जब मैं आई हूँ तब तक ये पैक हो चुके थे। और शुभम भी यहाँ पर देखिए बैठा है, और आकर्षित उसको बड़ा परेशान कर रहा था किसी बात पे, बस यहाँ पर हंसी मजाक चल रहा था। और मुझे लगा ना कि सारे जो भगोने रखे हुए
इनमें बूंदी ही है, बट चाचा ने बताया कि बिटिया इसको दिखाओ, देखो इसमें गुलाब जामुन है। और इतने टेस्टी है गुलाब जामुन बने थे ना, हालांकि देख के मेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये रखे हैं। और बूंदी बहुत सारी बनवाई गई थी क्योंकि बूंदी ना प्रसाद में भी देनी थी और सबको खाने के लिए भी देनी थी, और गुलाब जामुन सब लोगों को खाने के लिए देने थे। तो बूंदी ज़्यादा सी आप लोगों को काफ़ी सारी दिख रही है वो इसीलिए। तो बस सारे काम चल रहे हैं, सारी सब्जी वगैरह सब आ रही है, रखी जा रही है एक जगह। यहाँ पर ताई जी, बुआ, दोनों चाची, ताई जी लेटी हैं, बुआ लेटी हैं, दोनों चाची बैठी हैं, बातें कर रही हैं। ये सारा सामान कल के लिए है, ये बूंदी कल के रायते के लिए, सारा राशन का सामान जो भी देखिए होता है प्रॉपर एक भंडारे के रूप में, वो सब सारा सामान यहाँ पर हो रहा था, मतलब सारा सामान रखा था। और ये रहा हमारा छोटा भाई उत्कर्ष, बरेली वाले जो चाचा है ना, ये उनका बेटा है छोटा वाला उत्कर्ष। जब हम लोग बरेली गए थे उस समय ये पढ़ाई करता है तो ये बाहर रहता है, इसलिए आप लोगों को उस समय नहीं मिला था। यहाँ पर मम्मी खड़ी थी, मम्मी बोल रही थी बिटिया ये साड़ी मत लो, अच्छी नहीं लग रही है, काम के टाइम पे गंदी हो गई है। हम सब जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। काका तो पूरी बारात लेके आ रहे हैं, अच्छे हैं, पानी अच्छा है। चारू जहाँ बस रुकी थी कल, रेस्टोरेंट नहीं है हाँ, ठीक है। तो गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद फिर ज़्यादा किसी ने नहीं खाए थे एक्चुअली। मैं हुआ क्या था, बच्चों ने बुला लिया कि चाचा, मतलब वो आकर्षित ने बुलाया कि चलो चाचा गोलगप्पे खिला रहे हैं। तो हम सब पहुंच गए वहां जाके, सबसे पहले फिर मैंने टेस्ट किया क्योंकि बच्चे तो देखिए कुछ भी, मतलब बच्चों को नहीं समझ में आता। जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो एक एक गोलगप्पे ही सब ने खाया, उसके अलावा फिर किसी ने नहीं खाया। अब ये हुआ अगर घर से निकले तो चलो पूरा एक गली का पूरा राउंड लगा लेते हैं, तो बस एक गली का अपनी वही राउंड लगा रहे हैं। और फिर ना निकलते विकलते भी छत से देख देखिए, अभी एक भाभी हैं ऊपर, वो देख के बुलाने लगी थी मुझे, ये देखिए मैं ऊपर देख रही थी। तो बस जब जो लोग जैसे जब कभी कभी जाओ ना, तो अभी तो ये रात हो चुकी थी तो यहाँ सब लोग अंदर हो गए थे, ठंड का मौसम है तो लोग जल्दी अंदर चले जाते हैं, वरना तो इस जगह जितना भी निकलो तो लोग पूछते ज़रूर हैं। और ऐसा आई थिंक सभी के साथ होता होगा, अपने एरिए में अपने मायके में आ जाओ तो सभी लोग पूछते बेटा कब आई थी, कब आई थी, कब रुकोगी, या मतलब कितने दिनों बाद आई हो, बहुत दिन से नहीं देखा, इस तरह से लोग ज़रूर बोलते हैं। तो बस घूम घाम के फिर हम लोग आ गए थे घर, तो घर आके देखा तो यहाँ पर सब लोग खा रहे थे मूँगफली, भैया लोग सब लोग मूँगफली, अभी खाना वाना नहीं हुआ था बट मूँगफली वगैरह सब लोग खा रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना वो कपड़े पहने पहने ना बड़ा अजीब सा हो रहा था। ये मेरी हैं सेकंड नंबर वाली चाची, मेरी दो चाची हैं, तो ये बड़ी चाची हैं, छोटी चाची को तो आप लोगों ने देखा ही है, बरेली वाली हैं। ये बैठी हैं जो सामने, उधर मम्मी बैठी हैं, इधर ताई जी बैठी हैं। और उसके बाद रात हो गई थी, सब लोग खा पी के बस हम लोग सोने ही जा रहे थे, तो बस ऐसे ही बैठे थे, बिस्तर वगैरह सबके लगा दिए गए थे। तो दीक्षा देख रही थी एल्बम, ये शादी के पहले के मेरे सारे एल्बम हैं, इसमें मम्मी की शादी की भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, तो बस वही सब देख रहे थे। हम सब यहाँ पर बैठे थे मस्ती कर रहे थे। तो यही था आज का वीडियो, और कल का जो वीडियो आएगा वो आएगा गया भोज का वीडियो, जो भंडारा हुआ है प्रॉपर पूरा मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो कल वो आएगा। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से अगले वीडियो के में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।